लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल बुधवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। जालम सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज था। पटेल ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि बीते दिनों सागौनी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर उपजाई फसल को जब्त करने गए पटवारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर ग्रामीणों ने हमला किया हुआ था, जिसमें पटवारी को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, कर्मियों से मारपीट, ग्रामीणों को उकसाने और SC/ST समेत अन्य मामलों में केस दर्ज किया था, जिसके बाद विधायक ने खुद कोतवाली थाने में जाकर सरेंडर किया। वहीं से पहले मंगलवार को जालम सिंह ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। उन्होंने वर्तमान कलेक्टर दीपक सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसका तो जी चरित्र रहा और चेहरा और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अनाचार हो रहा है, उसके प्रमाण हम सब देख रहे हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कितने सहयोगी सब पर छापे पड़े और करोड़ों का पैसा निकला है। मैं समझता हूँ नरसिंहपुर जिले के जो कलेक्टर हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जिले में काम कर रहे हैं, कमलनाथ के एजेंट के रूप में, कमलनाथ के जो ऐसा मानता हूँ कि करप्शन एजेंट के रूप में जिले में, संपूर्ण जिले में काम कर रहे हैं। सगौनी की जो घटना वही है, वो लगभग 50 से 60 एकड़ में गेहूं था, गेहूं लगभग 10 से 15 लाख का था, उस पर डांका डालने की नियत थी। और हम जनप्रतिनिधि हैं और चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के जनप्रतिनिधि। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर छोटी बड़ी जो भी यहाँ दमनकारी नीति होगी, भ्रष्टाचार होगा, अनाचार, उसका हम लोग जमकर प्रतिकार करेंगे। किसानों के लिए जेल में जाना आना बहुत मायने नहीं रखता। बता दें कि जालम सिंह दमोह से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के भाई हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसके साथ मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। खैर, देखना ये होगा कि चुनावी दौरे में ये मामला और कितना उछलता है और इसके नाम पर वोट बटोरने में कितनी कोशिश की जाती है। पंजाब केसरी TV के लिए नरसिंहपुर से अभिषेक मेहरा की रिपोर्ट।